हेलो एवरीवन, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम टेलर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे एंड प्लस कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो टेलर से रिलेटेड है, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट को किसी भी प्रॉब्लम पे कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एफ बी एनालिटिक विद इन अ डोमेन डी एंड लेट जेड नॉट बी अ पॉइंट इन डी, देन एफ हैज़ अ सीरीज रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस। कोई एक फंक्शन है जो एनालिटिक है डोमेन डी में, ठीक है, मतलब कि कोई फंक्शन आपका डिफाइंड है किसी डोमेन डी में और उस डोमेन में हम कोई पॉइंट जेड डॉट मान लेते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज करो ये हमारा डोमेन डी है और ये मैंने कोई पॉइंट मान लिया आपका जेड नॉट, देन इस फंक्शन की जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज एफ जेड इज इक्वल्स टू एन जीरो टू इन्फिनिटी है एफ एन जेड नॉट बाई एन फैक्टोरियल जेड माइनस जेड नॉट एन। और एफ जेड इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम पावर वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो वन टू एंड सो ऑन। तो एफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट की पावर जीरो बाई जीरो फैक्टोरियल प्लस एफ वन जेड नॉट वन फैक्टोरियल जेड माइनस जेड नॉट वन टू द पावर वन प्लस एफ डबल डेरीवेटिव जेड नॉट के रिस्पेक्ट में जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से किसी की भी पावर जीरो वन होती है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं उसको, और यही आपको याद रखना है आगे प्रॉब्लम्स जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हम यही यूज़ करेंगे, दैट इज़ एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड नॉट प्लस इसका फर्स्ट डेरीवेटिव जेड माइनस जेड नॉट, इसका सेकेंड डेरीवेटिव बाई टू फैक्टोरियल, यहाँ पे वन फैक्टोरियल था तो वो वन ही हो जाएगा, टू फैक्टोरियल जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर टू। इस तरीके से जब वन चलेगा यहाँ पर वन होगा तो इसकी पावर भी वन ही होगी और नीचे फैक्टोरियल भी वन ही आएगा, बट जब सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव है तो उसकी पावर यहाँ पर टू होगी और फैक्टोरियल भी टू आएगा। इस तरीके से है एंड सो ऑन। वैलिड फॉर द लार्जेस्ट सर्कल सी विद सेंटर एट जेड नॉट एंड रेडियस आर दैट लाइज एंटायरली विद इन डी। तो जो जेड नॉट है, जो पॉइंट हमने डोमेन के अंदर लिया था उससे वो हमारा सेंटर होगा सर्कल का, जो हम लार्जेस्ट सर्कल जेड नॉट, सपोज करो ये पॉइंट है डोमेन डी में, अब इसको सेंटर मानते हुए कोई आर रेडियस लेते हुए मैं जो लार्जेस्ट सर्कल इस डोमेन में बना सकूं और वो पूरा सर्कल जो है मेरा डोमेन डी के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, तो उस पे ये जो सीरीज है आपकी वो वैलिड होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोई भी फंक्शन आपका एफ एनालिटिक है किसी पर्टिकुलर डोमेन डी में, सपोज कर लिया हमने वो उस डोमेन में मैंने कोई पॉइंट जेड नॉट ले लिया, अब उस जेड नॉट से को उसको सेंटर मानते हुए मैंने और कोई रेडियस आर कोई लार्जेस्ट सर्कल मैं इसमें बना सकूं और वो पूरा सर्कल जो है वो मेरा इस डोमेन के अंदर ही बने, इससे बाहर ना हो, ठीक है, तो उसके लिए ये जो हमने सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखी है टेलर थ्योरम तो उस पर्टिकुलर सर्कल के लिए वो वैलिड होगी, ठीक है, ये कंडीशन है। प्रूफ देखते हैं। लेट जेड बी एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल सी, जेड कोई हमने पॉइंट मान लिया जो उस सर्कल के अंदर है, ड्रॉ सर्कल सी वन विथ सेंटर एट जेड नॉट, उसी के अंदर हमने एक और सर्कल सी वन ड्रॉ कर लिया और उसका जो सेंटर है वो जेड नॉट है, कुछ इस तरीके से ये आप सर्कल सी मान लो और इसके अंदर हमने एक सर्कल सी वन ड्रॉ किया, ये रहा सी वन और उसका सेंटर हमारा ये है जेड नॉट एंड रेडियस स्मॉलर देन दैट ऑफ सी, और उसकी जो रेडियस होगी बहुत ऑब्वियस ही बात है सी के रेडियस से कम होगी, सच दैट जेड इज एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ जेड वन। अब ये जो जेड हमने पॉइंट लिया था वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से सी वन का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जेड जो पॉइंट हमने लिया था वो किसी सर्कल सी में लिया था, अब उसी के अंदर हमने एक सी वन सर्कल ड्रॉ कर दिया है विद जेड नॉट उसका सेंटर है, तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं जो ये जेड है वो एक इंटीरियर पॉइंट होगा सी वन का। देन लेट W बी एनी पॉइंट ऑन सी वन, और इस W को मैंने इस सी वन पे कोई पॉइंट ले लिया है, देन Z माइनस जेड नॉट का जो मोड है वो लेस होगा किससे, W माइनस जेड नॉट से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑब्वियस ही बात है कम होगा, जब कोई भी पॉइंट अगर मैं रेडियस पे ले रही हूँ तो वो उसका लार्जेस्ट डिस्टेंस ही होगा उस पर्टिकुलर सर्कल में, तो ये तो पॉइंट उसके अंदर है, ठीक है, रेडियस पे ऑन द सर्कल है ही नहीं, तो z माइनस जेड नॉट का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। अब इसको मैं अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, वन, ये डिवाइड में चला जाएगा। आगे देखिए z की वैल्यू जो है हम z नॉट मान के चलते हैं, आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो z नॉट की जो पर्टिकुलर वैल्यू दी होगी उसको हम z की जगह पुट करते हैं। अब आगे वन बाई डब्लू माइनस जेड नॉट था, ठीक है, तो यहाँ पर हम
जेड की जगह जेड नॉट ले रहे हैं और किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर मैं जेड नॉट को प्लस कर दूं और माइनस कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसको रीअरेंज करके हमने लिखा हुआ है डब्ल्यू माइनस जेड नॉट, माइनस हमने कॉमन लिया तो जेड माइनस जेड नॉट हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू दिस। और यहाँ पर हमने क्या करा, डब्ल्यू माइनस जेड नॉट को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर वन हो जाएगा, माइनस इसमें था नहीं तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। उसके बाद है वन बाई डब्ल्यू माइनस जेड इज इक्वल्स टू दिस, इसको आप अगर ऊपर करोगे तो जो पावर है वो कैसी हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी। जो भी अगर डिनोमिनेटर में है उसको आप न्यूमिनेटर में करते हो तो जो पावर है वो एग्जैक्टली वही रहेगी, जस्ट जो है साइन चेंज हो जाता है। एक्सपेंडिंग आर एच एस बाई बाइनोमियल थ्योरम एज, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में ये जो पोर्शन है इसको हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो और ये क्या है, ये जो क्वांटिटी है वो लेस देन वन है, अभी हमने पीछे देखा तो ये जो है क्वांटिटी लेस देन वन थी तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सिर्फ इस पार्ट को हमने एक्सपेंड कर दिया तो वन प्लस ये पूरी एक्स वैल्यू हो जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सो ऑन एक्स टू द पावर एन एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर वन मान लिया। दिस सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली सिंस दिस इज लेस देन वन, ये जो क्वांटिटी है वो लेस देन वन है तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वैसे भी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी यूनिफॉर्मली। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर वन बाय टू पाई आयोटा एफ डब्ल्यू, तो मैंने जो इक्वेशन नंबर वन है दोनों साइड इस क्वांटिटी इस से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इंटीग्रेटिंग टर्म बाई टर्म विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ओवर सी वन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो और मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया। तो यहाँ पर देखो क्या है, वन वन बाई डब्ल्यू माइनस जेड है तो इंटीग्रेशन आ गया एंड क्या था यहाँ पर एफ डब्ल्यू और ये था, तो यहाँ पर ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ओवर सी वन कर रहे हैं तो ओवर सी वन कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम काम होगा, तो वन बाय टू पाई आयोटा और दिस इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है, फिर हमने वो मल्टीप्लाई करके वन बाय टू पाई आयोटा मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट करके लिखा हुआ है और इसको हमने इक्वेशन नंबर टू दे दिया। आगे है स्टेटमेंट में, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि जो एफ होगा वो एनालिटिक होगा उस पर्टिकुलर डोमेन में, तो यहाँ पर ये जो एफ डब्ल्यू है वो एनालिटिक होगा ऑन एंड इनसाइड सी वन, ऑन द सर्कल भी, सी वन के ऑन द सर्कल भी और इनसाइड भी। सो बाय कोची फॉर्मूला हम क्या कह सकते हैं, वन बाय टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी वन जो है एफ डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एफ जेड के इक्वल हो जाएगा, और ये हमें अब सब्सिट्यूट करना है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बाय कोची फॉर्मूला ये रिजल्ट हमने अप्लाई कर दिया और इसको मैं एल एच एस साइड सब्सिट्यूट करूंगी एंड एंड बाई एन फैक्टोरियल टू पाई आयोटा दिस इज इक्वल्स टू एफ एन जेड नॉट। तो ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है वो किसका है, कोचिस फॉर्मूला का है, यहाँ पे सिर्फ एन फैक्टोरियल आ जाएगा तो इसकी जो ऑर्डर होगा जो इसका वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टू फैक्टोरियल तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल तो थ्री हो जाएगा इस तरीके से। और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी तो ये एन फैक्टोरियल हो जाएगा। सो यहाँ पर वन बाय टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी वन एफ डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस जेड नॉट एंड एफ जेड नॉट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर ये जो पावर है वो भी एन प्लस वन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको देखना है, ये एन प्लस वन हो जाएगी। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का एक बार रिजल्ट देख लेते हैं फिर इसको किस तरीके से अप्लाई करना है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है जहाँ पर इसकी जो वैल्यू जो इसका रिजल्ट है वो ये है, एफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रल एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ठीक है, तो इसकी जगह हमने यहाँ पर एफ जेड नॉट किया था, तो यही सेम उसकी स्टेटमेंट है, एफ अगर एनालिटिक है सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, सी कोई सिंपल क्लोज कंटूर लाइंग एंटायरली विद इन डी उस पूरे डोमेन में है, देन फॉर एनी पॉइंट जेड नॉट विद इन सी वी कैन रियूज दिस रिजल्ट। नेक्स्ट है कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, अगर ऑर्डर ज़्यादा हो तो यहाँ पर जस्ट जो डिफरेंस है वो यही है कि एन फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा एन, तो यहाँ पर भी n और z माइनस जेड नॉट एन प्लस वन हो जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं और यहाँ पर जब हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ पर वन है तो यहाँ पर ये f वन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पावर जो है n प्लस वन ज़्यादा होती है तो इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर n फैक्टोरियल मतलब वन फैक्टोरियल था तो यहाँ पर f वन हो जाएगा। उसके बाद है वन बाय दिस
इज इक्वल्स टू दिस इन सो ऑन। तो जब आप यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इन सारी वैल्यूज़ को जब मैं सब्सिट्यूट कर दूंगी किस में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 1/2 पाई आयोटा। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पीछे चाहिए, तो हम इनकी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देंगे कोची इंटीग्रल फार्मूलाज की हेल्प से। तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल होता, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो वैल्यू जब हम इसकी सब्सिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें मिल जाएगा fz इज इक्वल्स टू fz0 प्लस z-z0 फर्स्ट डेरीवेटिव, एंड देन z-z0 टू द पार 2/2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरीवेटिव, एंड सो ऑन। और एफ जेड को आप अगर समीशन की फॉर्म में लिखते हो, सीरीज की फॉर्म में, तो एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन जेड नॉट z-z0 टू द पार एन बाय एन फैक्टोरियल, हैंस प्रूव्ड। और एफ एन इज इक्वल्स टू दिस, ये पूरा जो है अगर आप इसको एन लेट कर लेते हो, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। एंड अब आ जाते हैं इसके प्रॉब्लम्स पे। अब अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन टेलर सीरीज। फर्स्ट है एफ जेड इज इक्वल्स टू 1/3 -z, और जेड नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 2 आयोटा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। एफ जेड इज इक्वल्स टू दिस, और जो आपको पॉइंट गिवन है जेड नॉट, जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, दैट इज 2 आयोटा। तो एफ जेड की वैल्यू हम एफ 2 आयोटा पे निकालेंगे, मतलब कि जेड जहाँ पर जेड है उसकी वैल्यू वहाँ पे 2 आयोटा पुट कर दो। फिर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और फिर हम 2 आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसमें 2 आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें इन ऑर्डर्स की वैल्यू चाहिए जेड नॉट के पॉइंट पे, क्योंकि बाद में हमें इसको सब्सिट्यूट करना है फॉर्मूले में। देन एफ जेड को इसी को फिर एक टाइम और डेरिवेट करेंगे, तो हमें थर्ड ऑर्डर मिल जाएगा और जीरो की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज जीरो हमारा है यहाँ पर 2 आयोटा जेड नॉट की वैल्यू। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हम फॉर्मूले में सब्सिट्यूट कर देंगे, दैट इज एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट, एफ का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट की 2^2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एंड जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। और इसी तरीके से हम चलेंगे, जो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया एफ जेड इज इक्वल्स टू, उसी में हमें सारी वैल्यूज को पुट करना है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन की वैल्यू जो है 0 to infinity चलेगी, जेड माइनस 2 iota to the power k और डिवाइडेड बाय 3 - 2 iota k+1। आप देखेंगे यहाँ पे जो पावर है वो एक ज़्यादा चल रही है, जैसे कि जेड माइनस 2 iota की पावर अगर आप यहाँ पर k है तो नीचे k+1 चल रही है, एक ज़्यादा है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिया है। ये यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया टेलर सीरीज, आपने एक्सपेंड कर दिया उसको, ठीक है। अब आता है ये जो आर है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रखा है। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड नॉट। यहाँ पर जो जेड है आपको यहाँ पर चेक करना है, जो आपको एफ जेड गिवन होगा वहाँ पर आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पे जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा, दैट मीन्स कि डिफाइंड नहीं होगा। अगर यहाँ पर मैं जेड की वैल्यू 3 पुट कर दूँ, तो 3 - 3 जीरो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिर अनडिटरमाइंड टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर z की वैल्यू 3 होती है तो हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ गई, 3, विच इज़ अ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। एक सिंगल यही पॉइंट हमें मिल रहा है जिस पे आपका जो फंक्शन है वो डिटरमाइन नहीं होगा या एनालिटिक नहीं होगा। और z नॉट की वैल्यू आपको 2 iota ऑलरेडी गिवन थी, तो आपको वैल्यू पुट करनी है, इसका स्क्वायर करना है 3 का स्क्वायर। आयोटा हम कंसिडर नहीं करते, जो उसकी वैल्यू होती है उसको कंसिडर करते हैं, दैट इज़ -2 इसका स्क्वायर एंड होल अंडर रूट, सो दैट इज -19। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड माइनस 1/3 - z, जेड नॉट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1। तो आपको सेम वही करना है, एफ जेड में एफ जेड नॉट की वैल्यू पुट करनी है और 1 टाइम फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल कर फिर जेड नॉट की वैल्यू इस तरीके से पुट करनी है, फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करना है। तो यहाँ हमने फॉर्मूले में सब्सिट्यूट कर दिया, फिर आप सीरीज बना सकते हो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, दैट इज जेड माइनस 1/2 था, तो 2^1, 2^0, सॉरी 2^1, 2^2, 2^3, तो ये 2^n हो जाएगा। सेम जो है ऑर्डर ऊपर भी चल रहा है, तो जेड माइनस 1^n हो जाएगा। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल दिया, यहाँ पर 3 पॉइंट जो है वो अगर मैं पुट करती हूँ तो मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। जेड नॉट की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 1 गिवन है, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, दैट इज 3 - 1, यहाँ पर आयोटा नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, दैट इज 3 - 2
थ्री माइनस वन दैट इज़ टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस जेड। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में ये बताया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे सारे एनालिटिक होते हैं, तो जेड नॉट की यहाँ जो वैल्यू है वो पाई बाय फोर है, तो हमें सेम उसी तरीके से करना है, एफ पाई बाय फोर पे वैल्यू निकालनी है, फिर उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेट करके फिर वैल्यू निकालनी है, सेकंड टाइम डेरिवेट किया फिर उस पर पाई बाय फोर पे वैल्यू निकाली, थर्ड टाइम डेरिवेट किया फिर पाई बाय फोर पे वैल्यू निकाली, और लास्ट में हमें क्या करना है फॉर्मूले में सब्सिट्यूट कर देना है। यहाँ पे आपकी टेलर सीरीज खत्म होती है, उसके बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जैसा कि मैंने अभी बोला वो एनालिटिक होते हैं, तो आपको जस्ट लिखना है कि एफ इज फंक्शन इज एंटायर फंक्शन और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होती है उन फंक्शंस की इन्फिनिटी होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बट इफ फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग मुझे वहाँ पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं।